सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव पॉइंट पे और पॉजिटिव का पॉजिटिव पॉइंट पे लगाएंगे। उसके बाद हम डिस्प्ले चेक करेंगे कि सभी पैरामीटर सही से डिस्प्ले जल रही है या नहीं। उसके बाद हम स्विच ऑन ऑफ स्विच की फंक्शनिंग चेक करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आउटपुट चेक करेंगे मीटर में, स्पेक्स के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट होनी चाहिए। 217 वोल्ट हमारी आउटपुट आ रही है। और हम NLC चेक करेंगे, नो लोड करंट। नो लोड करंट चेक करने के लिए हमने क्लाइमीटर लगा रखा है, तो ये हमारी जो स्पेक्स के अकॉर्डिंग है वो लेस देन 2.5 एम्पियर होनी चाहिए। उसके बाद हम आउटपुट लगाएंगे लोड चेक करने के लिए। हम फुल लोड चेक करेंगे, जैसे हमारा सेट 900 वाट का है, 900 VA का है, तो हम 900 VA का ही लोड डालेंगे। और फुल लोड चेक करने के बाद हम उस पर ओवरलोड चेक करेंगे। ओवरलोड चेक करने के लिए हमने 200 वाट का एक बल्ब हमने एक्स्ट्रा डाला है। ओवरलोड चेक करने के बाद ये हमारी ओवरलोड की इंडिकेशन आ रही है। ओवरलोड चेक करने के बाद हम लोड को बंद करेंगे और हम AC इनपुट लगाएंगे। मेंस मोड में हम चार्जिंग करंट देखेंगे। जो हमारी स्लाइड स्विच की सिलेक्शन है वो चार्जिंग वोल्ट चार्जिंग करंट की है, स्टैंडर्ड मोड में होनी चाहिए, और इनपुट वोल्टेज की नैरो मोड में, और चार्जिंग वोल्टेज की स्टैंडर्ड मोड में होनी चाहिए। चार्जिंग करंट चेक करने के लिए हमारी चार्जिंग मीटर डिस्प्ले आ रहा है, जो हमारा 12.2 एम्पियर 28 एम्पियर आ रहा है। उसके बाद हम सिस्टम में हाई लो कट चेक करेंगे वेरिक से। स्टैंडर्ड मोड में हमारा हाई कट लग रहा है 265 पे, और उसकी हम रिकवरी चेक करेंगे, जो हमारा 10 वोल्ट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम लो कट चेक करेंगे सेम मोड में, सेम ये हमारा आ रहा है 178 वोल्ट पे आ रहा है, तो ये उसके बाद हम इसकी रिकवरी चेक करेंगे।